सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तमाम चैनल के माध्यम से, अमित दत्ता तो खैर उनका भी बात नहीं करेंगे, हम गुरु सूर्य सिंह बेसरा जी का बात करते हैं। मेरा मोबाइल देखिए, आज भी हम बड़ा सम्मान पूर्वक उनका नाम लिखे हैं, सर सूर्य सिंह बेसरा, यकीन माने दिल से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक उदाहरण यदि मान के चलिए महेंद्र सिंह धोनी तो क्रिकेट संन्यास ले चुका है, IPL घोटाई इंटरनेशनल ले चुका है, अब अगर वर्ल्ड कप में शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है, एकदम सीरियस मैच है, और महेंद्र सिंह धोनी उठ के चल गए शुभमन गिल के पास, तो क्या शुभमन गिल महेंद्र सिंह धोनी को अपना बैट दे देंगे? आप ही लोग बताइए, हाँ कि ना? नहीं देंगे, क्योंकि टाइम किसका है? शुभमन गिल का है। धोनी उसके कंधे पर हाथ रखेंगे और सलाह देंगे कि गिल पीछे आके एक स्टेप लेके इसको पुश करके मारो। तो ठीक उसी प्रकार आपके चैनल के माध्यम से गुरुजी सूर्य सिंह बेसरा को हम प्रणाम करते हैं और संदेश देंगे, वो महेंद्र सिंह धोनी है, शुभमन गिल कौन है ये आप जानते हैं, तो बल्ला हम नहीं देंगे। किसने कहा? 2019 में गुरुजी 2019 में लड़ चुके हैं, लॉजिक बात कीजिए। अभी बोल रहे कि नहीं लड़ेंगे, ठीक है तो नहीं लड़ेंगे, तो हमारे साथ आइए ना, आशीर्वाद दीजिए ना, पार्टी का निर्माण हम लोग करने दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम लोग की नेतृत्व बनाइए, युवाओं की नेतृत्व बनाइए, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो बिहार विधानसभा से अपना सदस्यता। बहुत सुंदर बात आपने कहा, उनका अगर माननीय गुरुदेव सूर्य सिंह बेसरा अगर 1985 में पार्टी बनाते हैं तो सहमत, क्योंकि 85 उनका था, 2023 हमारा है, 2023 हमारा है, युवाओं का है, उनका सम्मान करते हैं, कलेजा में चीर के देखिए उनका तस्वीर मिलेगा, बिल्कुल आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, गुरुजी हैं 1985 के, हम हैं 2023 के, समय है 38 साल का फर्क है, संभव है वे आशीर्वाद दे सकते हैं, वे कोच बन सकते हैं, कैप्टेंसी तो हम लोग को दीजिएगा कि नहीं? तो उनको तो हमने हमेशा बोला है कि आप सलाह दीजिए, आप हम लोग को शिक्षा दीजिए, आप हम लोग को पढ़ाइए, बाकी जो भी निर्णय होगा आप। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का 10 एडवाइजरी कमेटी में है, कोई जानता है नाम? एडवाइजरी का मतलब होता है हिडन, साइलेंट काम करना। गुरुजी तो बराबर मीडिया में आके बोल रहे हैं, आप साइलेंटली, कोई आपको दिखे नहीं। किंग मेकर होता है पर्दे में होता है, किंग दिखता है, दिस इज द किंग दिखता है, किंग मेकर पर्दों में होते हैं। तो गुरुजी का सदैव सम्मान किए हैं, लेकिन लॉजिकली बात करना चाहेंगे, ये समय। आखिर एक बात बताइए, गुरुजी को अगर पार्टी ही बनाना था तो 2019 में बनाते, 2019 में चुनाव था ना, 19 में बना के लड़ते, आज अगर बीच समय अगर वे पार्टी बना रहे क्यों? हम लोगों को देखकर, हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, हम उनका सम्मान करते हैं, वो जब भी मिलते हैं हम एकदम सर झुका के पांव छू के प्रणाम करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, आज 2022-23 में पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आंदोलन को देखकर, आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है? धनबाद बोकारो में खड़ा किन्होंने किया है, वे कहाँ है भाई? साफ शब्दों में पहल आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, आप अगर गुरुजी मानते हैं तो पहल आप करें, बिल्कुल हम लोग की भलाई तो होगी ना, हजारों उनसे तो हजारों बार हम लोग लगभग हम दर्जनों सभा में उनसे मिल चुके हैं, हर बार बोले कि आप हम लोग उनसे, कई बार हम किताब लेकर अपना घर आए हैं, चलिए हमारे घर में उनका दिया हुआ किताब है, राइटर फाइटर का उनका किताब है, जो उनके बारे में उनका जिबनी लिखा है, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्पष्ट करना चाहेंगे तो ये 2023 है, 2023 में वर्ल्ड कप भी है, इस वर्ल्ड कप के हीरो शुभमन गिल रहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी 2011 के थे, कपिल देव 83 के थे, समझ गए? अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।